हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन चैप्टर का, थ्योरीज ऑफ कोरोजन। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ कोरोजन पढ़े थे, तो वो टाइप्स ऑफ कोरोजन जो दो टाइप के एटमॉस्फेरिक कोरोजन एंड इमर्स्ड कोरोजन जो टाइप पढ़े थे, उन्हीं से रिलेटेड ये थ्योरीज़ भी हैं। तो दो थ्योरीज़ हैं, दोनों थ्योरीज़ को मैं बारी बारी से बताती हूँ। तो जो पहला एटमॉस्फेरिक कोरोजन था, एटमॉस्फेरिक कोरोजन पे बेस्ड ही ये फर्स्ट थ्योरी है, ड्राई और केमिकल या फिर डायरेक्ट केमिकल थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं, यानी कि शुष्क या रासायनिक या प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक कोरोजन पे ही बेस्ड है, मतलब ये कि वो मेटल जो एटमॉस्फेरिक गैसेस O2, CO2, H2S, SO2, हेलोजन्स या उनके अलावा और भी अदर गैसेस जो हैं, जिनके केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जब कोरोजन होता है, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक कोरोजन बोलते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से यही बताया गया कि जब मेटल जो मेटल की सरफेस है, जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है इन गैसेस के, तो केमिकल रिएक्शन होने लगती है, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक मेटलिक ऑक्साइड की थिन लेयर जो है वो मेटल की सरफेस पे जम जाती है। मेटलिक ऑक्साइड की, कार्बोनेट की और सल्फाइड की एंड हाइड्रोक्साइड की, वो मेटल की सरफेस पे जो है एक थिन लेयर जम जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लेयर बनने की वजह से जो मेटलिक सरफेस होती है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस से बंद हो जाता है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से कोरोजन जो है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो फिर से बता देती हूँ एक बार कि अकॉर्डिंग टू केमिकल थ्योरी, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ड्राई या फिर केमिकल या डायरेक्ट केमिकल थ्योरी के नाम से आ सकती है, तो अकॉर्डिंग टू केमिकल थ्योरी द सरफेस ऑफ द मेटल कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक O2, CO2, H2S, SO2, हेलोजन एट्सेट्रा एंड अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। मतलब जब मेटल की सरफेस जो मेटल की सतह होती है वो जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है एटमॉस्फेयर की जो गैसेज होती हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब आती है, तो एक केमिकल रिएक्शन होने लगती है, जिसकी वजह से अ थिन लेयर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक थिन लेयर जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड की, कार्बोनेट की, सल्फाइड की, ऑक्साइड की जो है वो मेटल की सरफेस पर बन जाती है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटेलिक सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस डिस्कनेक्ट। तो ये मेटल की सरफेस पे जो मेटेलिक सरफेस पे जो ऑक्साइड की लेयर या कार्बोनेट की या सल्फाइड की, हाइड्रोक्साइड की लेयर बनने की वजह से क्या होता है कि मेटल की सरफेस और एटमॉस्फेरिक गैसेस का डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि उनके बीच से संपर्क ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोजन स्टॉप हो जाता है। तो ये इस थ्योरी में बताया गया था। इसी थ्योरी से रिलेटेड एक रूल है, पिलिंग बेडवर्थ रूल। तो पिलिंग बेडवर्थ रूल में क्या बताया गया है कि इसमें जो ऑक्साइड की लेयर, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर जो मेटल की सरफेस पे बनती हैं, तो वो अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं। तो ऑक्साइड की जो लेयर को प्रिडिक्ट करने का ही ये रूल है। इसमें ये बताया गया है कि जो मेटल सरफेस है वो पोरस और नॉन पोरस हो सकती है, यानी कि मतलब पोरस का मतलब जिसमें पोर्स यानी कि रंध्र छिद्र होते हैं, और नॉन पोरस का मतलब जिसमें छिद्र नहीं होते हैं। तो इस रूल के हिसाब से जो है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव और नॉन पोरस हो सकती है, यानी कि अगर ऑक्साइड की जो लेयर है वो नॉन पोरस है यानी कि उसमें छिद्र नहीं है, तो वो ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्टिव कहलाएगी। और ये तब कब होता है, जब वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड इज़ इक्वल और ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल, मतलब मेटल सरफेस जिसके ऊपर ये लेयर बन रही है, तो अगर जो ऑक्साइड की लेयर का वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेटल, धातु के कंपेयर में ऑक्साइड की जो लेयर है उसका वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन ज़्यादा है, तो फिर वो लेयर प्रोटेक्टिव और नॉन पोरस कहलाएगी, यानी कि रक्षी परत होगी वो, और नॉन पोरस यानी कि बिना छिद्र वाली लेयर होगी, क्योंकि वो अगर वो प्रोटेक्टिव इस वजह से होगी क्योंकि अगर उसमें छिद्र नहीं होंगे, उसमें पोर्स नहीं होंगे, तो मैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आने की वजह से फिर वो उसमें कोरोजन स्टॉप हो जाएगा, कोरोजन रुक जाएगा। और इसी तरीके से इफ़ द वॉल्यूम ऑफ मेटल विच इज़ फॉर्म्ड
वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड इज़ लेस देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल फ्रॉम विच इज़ फॉर्म इट इज़ फॉर्म्ड, मतलब मेटल की सरफेस पे अगर जो ऑक्साइड की परत जम रही है, बन रही है, अगर उसका वॉल्यूम कम है मेटल के कंपेयर में, तो वो नॉन प्रोटेक्टिव और पोरस कहलाएगी। यानी कि नॉन प्रोटेक्टिव पोरस का मतलब ये हो गया कि उसमें छिद्र होंगे, छेद होंगे, पोर्स होंगे, जिनकी वजह से वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ सकती है, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, जो गैसेस के कांटेक्ट में आने से, वो नॉन प्रोटेक्टिव यानी कि उसकी रक्षा नहीं कर सकती है वो ऑक्साइड की लेयर। तो ये रूल जो है, पिलिंग बेडवर्थ रूल, वो यही शो करता है कि जो मेटल की ऑक्साइड की जो लेयर बन रही है, वो पोरस है या नॉन पोरस है, यानी कि प्रोटेक्टिव है या फिर नॉन प्रोटेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो है, ये नॉन प्रोटेक्टिव है, एंड जो एल्युमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, निकल है, ये प्रोटेक्टिव है। यानी कि एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, निकल, इनके ऊपर जो लेयर ऑक्साइड की जमती है, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के कंपेयर में। इसके बाद आता है सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, यानी कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी शॉर्ट नोट में भी पूछ ली जाती है, या कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में किसी पार्ट में ऐड करके पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है, ये जो आपने सेकेंड टाइप पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में क्या होता है कि जब कोई मेटल किसी लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आती है, उसमें पार्शियली डिप्ड होती है, तो मेटल के अंदर जो है एनोडिक और कैथोडिक एरियाज, मतलब वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करने लगती है, यानी कि जो विद्युत रासायनिक सेल हैं वो उनमें बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनोड और कैथोड बन जाते हैं। एनोड और कैथोड बनने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से कैथोड की ओर मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटल होती है एनोडिक, वो उसमें कोरोजन होने लगता है, और कैथोडिक वाली जो मेटल है वो सेफ बनी रहती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में यही बना बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज इन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपने, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आपको याद होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जो है मेटल के रॉड ही होते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि इसमें जो दो मेटल की रॉड पड़ी हुई है, या एक भी मेटल की रॉड हो सकती है, तो यहाँ पे एक एनोड की तरह वर्क करने लगेगी और एक कैथोड की तरह वर्क करने लगेगी। तो एनोड और कैथोड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होने लगेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं। अगर इनके बीच में कनेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके कैथोड में जाने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एनोड से कैथोड में जाने लगेंगे, तो जो एनोडिक वाला मेटल होगा, मेटल रॉड होगा, इसमें कोरोजन होने लगेगा, और जो कैथोडिक है वो सेफ रहेगा, ये प्रोटेक्टिव रहेगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, उसमें यही बताया गया कि जब कोई मेटल, तो यहाँ पे अभी दो मेटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेटल भी हो सकती है, कि मान लिया सेल है, इसमें एक मेटल पड़ा हुआ है, तो इस मेटल जो पड़ा हुआ है वो जितना डूबा हुआ है वो एनोड बन जाएगा, और जितना ओपन एरिया है वो कैथोड बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके कैथोड पे जाने लगेंगे, तो जो नीचे डूबा हुआ हिस्सा है, जो डिप्ड है, वहाँ पे कोरोजन हो जाएगा, और जो ऊपर का एरिया है वो सेफ बना रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है। इसमें और आगे बता देती हूँ कि दिस टाइप ऑफ कोरोजन टेक्स प्लेस वेयर अ कंडक्टिंग लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद अ मेटल और वैन टू डिसिमिलर मेटल। जैसे कि यहाँ अभी मैंने बताया कि एक मेटल भी हो सकती है और टू डिसिमिलर मेटल भी हो सकती है। यहाँ पे दो मेटल के लिए मैंने बताया, यहाँ पे एक, ठीक है। तो टू डिसिमिलर मेटल्स आर इमर्ज्ड कम्प्लीटली और डिप्ड पार्शियली इन अ सॉल्यूशन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम लिबरेटेड एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने लगेगी। देयर फॉर कोरोजन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। तो यानी कि जब भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन अगर आप समझा रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर जो एनोड होगा, वो एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन
मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे और ऑक्सीडेशन होगा, और हमेशा जो कोरोजन है वो एनोड पर ही होगा। एंड एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एट द एनोड, मतलब जो एनोड से रिलीज हुए थे इलेक्ट्रॉन वो कैथोड में गेन होंगे, जिसकी वजह से जो कैथोड है वो सेफ रहेगा, यानी कि कैथोड का जो एरिया है, कैथोडिक एरिया है वो सेफ रहेगा। एट कैथोड डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूंट्स फ्रॉम आयंस लाइक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जो है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और भी है, वो बता देती हूँ। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन उत्सर्जन प्रक्रिया। तो ये टॉपिक इससे रिलेटेड इस वजह से है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो है वो मोस्टली एसिडिक मीडियम में होते हैं, यानी कि अम्लीय माध्यम जो होता है, एसिडिक मीडियम, उनमें ही इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। कोरोजन ज़्यादा होता है एसिडिक मीडियम में एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, फॉर एग्जांपल लाइक आयरन इन कांटेक्ट विद एन एसिडिक सॉल्यूशन, इट अंडरगोज कोरोजन ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द मेटल। यानी कि जब कोई मेटल, यानी कि यहाँ पे आयरन का हमने एग्जांपल लिया है, तो आयरन जब कांटेक्ट में आती है एसिडिक सॉल्यूशन के, तो वो अंडर मतलब कोरोजन उसमें होता है। किस वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो जब एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो है एसिडिक सॉल्यूशन के, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं एनोड से, तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है, एसिडिक सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की उत्सर्जन प्रक्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने आयरन का लिया है, तो एनोड पे क्या प्रोसेस होगी कि जो आयरन है, आयरन से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होने लगेंगे, क्योंकि जो मेटल जो डूबी हुई है एसिडिक सॉल्यूशन में, वहाँ पे वो एनोड की तरह काम करने लगेगी। तो वो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज होने लगेंगे, वहाँ पे कैथोड पे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो जो H2 गैस है वो प्रोड्यूस होने लगेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लगेगी। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, Fe+2H+ एंड Fe से आयन बन जाएंगे, ये आयरन के आयन्स हैं, प्लस H2 गैस जो कि प्रोड्यूस होने लगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजन उत्सर्जन प्रक्रिया, या फिर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दो थ्योरीज थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, इसी से इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो है, इसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो उससे पहले आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ये अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।